नमस्कारः, स्वागतम् अस्य श्रृङ्खलायां। श्रृङ्खलायाः चलति सन्धिः। अद्य दिवसे विषयम् अस्ति विसर्गसन्धि। विसर्गसन्धि के विषय में आज हम जानेंगे। इससे पूर्व की श्रृंखला में हमने संधि की दो भेदों को जाना, स्वर संधि और व्यंजन संधि। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे विसर्ग संधि पर, यानी विसर्ग संधि कैसे होती है और विसर्ग संधि को करने वाले जो मुख्य सूत्र हैं उन सूत्रों को हम इस श्रृंखला के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो संधि शब्द जो है, यानी संधि क्या है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद। यानी संधि कब होता है, शब्द के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। यानी पूर्व पद का उत्तर पद से जब योग होगा तो संधि क्या है, मेल करना, तो तब वहाँ पर क्या होती है, संधि होती है। तो इसी क्रम में जो विसर्ग संधि है उस विसर्ग संधि के अंतर्गत जो है पहला एक सत्व संधि आती है, उस यानी विसर्जनी यस्य सः, अर्थात यानी यदि विसर्गों के आगे खर, यानी खर क्या है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय तथा तीनों सकार स श और स, यानी ये वर्ण हो तो उस विसर्ग को क्या हो जाएगा, स हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद, यानी क्या होगा, विसर्ग के बाद वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय क ख च छ ट ठ त थ प फ और तीनों सकार स श ष ये हो तो वह बदलकर क्या हो जाता है, दंत सकार वहां हो जाता है। वहां क्या हो जाएगा, दंत सकार हो जाएगा। यानी विसर्ग के बाद त थ स, यानी विसर्ग के बाद क्या होगा, त थ स होगा, तो उस विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे शब्द देखिए, एक शब्द है बालस तत्रह, हमने जब संधि करी तो शब्द क्या बना, बालह धन तत्रह। तो अब आपने देखा कि यहाँ क्या है, बालह में विसर्ग है, यदि विसर्ग के बाद त होगा तो बाल धन स, उसे क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो बाल धन स धन तत्र, शब्द क्या बन गया, बालस तत्र। ऐसे ही शब्द दूसरा है विष्णुस्ताता, यानी विष्णु धन त्रा, तो फिर क्या मिला हमें, तो विष्णु धन स धन त्राता, शब्द क्या बन गया, विष्णुस्त्राता। ऐसे रामस तिष्ठति, रामह धन तिष्ठति, यानी विसर्ग के बाद यदि त थ स होगा तो यहां क्या हुआ, विसर्ग के बाद क्या मिला, त तकार, तो क्या हुआ, उसे क्या हो गया, स हो गया, तो शब्द बन गया रामस तिष्ठति। तो इसी प्रकार यदि विसर्ग के बाद च छ या स हो तो, यानी जब विसर्ग है उस विसर्ग के बाद यदि च छ और स ये हो तो उस विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे शब्द है बालस चलति, शब्द क्या है, बालस चलति, बालह धन चलति, तो विसर्ग के बाद क्या आया, च आया, तो उसे क्या हो जाएगा, बोला हमने स, तो क्या बन गया, बालस चलति। ऐसी शब्द है कृष्णस छात्र, कृष्ण धन छात्र, तो छ है तो छ को क्या होगा, स, तो शब्द बन गया कृष्णस छात्र। ऐसी देवस शब्द है देव धन च, तो आपने देखा च को क्या हो जाएगा, स, तो देव धन स धन च, तो शब्द क्या बन गया, देवस च। यानी अब एक चीज और है, यदि विसर्ग के बाद ट ठ और श ये शब्द होगा तो वहां क्या हो जाएगा, श हो जाता है। जैसे शब्द है रामस टीकते, तो हमने जब इसको संधि करी तो शब्द क्या बना, रामह धन टीकते, तो हमने कहा कि यदि विसर्ग के बाद ट ठ और श होगा तो कि वहां क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तो शब्द बन गया रामस टीकते। ऐसी शब्द है धनुष टंकार, तो धनु धन टंकार। अब आपने देखा जो टंग है उसमें क्या मिला हमें, विसर्ग के बाद ट मिला, तो शब्द क्या बना, श, तो शब्द बन गया धनुष टंकार। यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ, यानी ये होगा तो उस विसर्ग को दंत सकार
हो जाता है। जैसे शब्द है कौस कोतस कुतः, शब्द क्या है कोतस कुतः, तो हमने जब इसकी संधि करी शब्द क्या बना कोतः धन कुतः, तो कोतः धन कुतः। अब हमने कहा यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो वहाँ क्या हो जाएगा दंत चकार हो जाता है, तो कोत स धन कुतः, शब्द क्या बन गया कोतस कुतः। ऐसी भास्कर शब्द आप सुनते हैं तो भास्कर शब्द में भी वही विसर्ग संधि है। कैसे है तो भा धन करह, तो अब क्या है यानी अ या आ के बाद क ख प फ होगा तो यानी यहाँ क्या मिला क मिला, तो शब्द क्या बन गया भा धन सौधन करह, भा को यानी शब्द बन गया भास्करह। इसी प्रकार यदि विसर्ग से पहले ई उ ये हों और विसर्ग के बाद यदि क ख प फ होगा तो वहाँ मूर्धन्य सकार हो जाता है, वहाँ क्या हो जाएगा मूर्धन्य सकार हो जाता है। शब्द जैसे है दुष्कृतम, अब हमने संधि करी दुह धन कृतम, तो अब हमने कहा कि यदि ई और उ के बाद क्या होगा क ख प फ होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा मूर्धन्य सकार हो जाता है। जैसे शब्द है दुष्कृतम, तो दु धन कृतम, तो क्या बना है दु के बाद उ के बाद क्या आया क आया तो स हो गया, तो शब्द बन गया दुष्कृतम। ऐसी निष्पाप शब्द है निधन पाप, तो शब्द क्या बना निधन स्वधन पाप निष्पाप। इसी प्रकार जो निष्फल शब्द है निष्फल शब्द भी इसी प्रकार बनता है। यानी एक सूत्र है वासरी, वासरी क्या करता है सरी विसर्गस्य विसर्गो वा, यानी विसर्ग से परे यानी विसर्ग से परे यदि सर हो तो उस विसर्ग का विकल्प से यानी उस जो सर है उस सर हो तो क्या हो जाएगा विसर्ग का विकल्प से क्या हो जाएगा विसर्ग ही रहता है। यानी वहां पर क्या होगा विकल्प से भी जो विसर्ग है उस विसर्ग को विसर्ग ही रहता है। यानी जो पहला जो सूत्र है यानी जो पूर्व सूत्र में हमने जो खर शब्द है यानी खर शब्द परे होने पर विसर्ग को जो नित्य स्व आदेश हो जाता है, जैसे शब्द क्या है हरीश हरि ही धन सेते, तो अब यहाँ पर स्व आया तो हरीश धन सेते, तो शब्द क्या बना हरीश सेते या हरी सेते। तो यहाँ हमने देखा जो विसर्ग है उस विसर्ग में क्या हुआ जो हरि शब्द है हरिधन सेते क्या हुआ हरि सेते, यानी ये स स्तोस्तुनास्तु या स्तोस्तुनास्तु से क्या हुआ सकार आदेश होकर के हरि सेते रूप यहाँ पर बन गया। यानी इसी प्रकार जो विसर्ग है उस विसर्ग में जो तीनों सकार हैं दंत सकार मूर्धन्य सकार और तालव्य सकार हैं, इस जो सूत्र है उस इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला वासरी जो सूत्र है यानी उक्त में क्या होगा सौ के स्थान पर क्या हो जाएगा सौ सौ सौ, यानी विसर्ग से वहाँ पर जो हरीश सेते शब्द हमने बताया अभी आपको। इसी क्रम में एक है उत्तु संधि, व्यंजन संधि के अंदर एक संधि आती है उत्तु संधि, ये क्या करती है यदि विसर्ग से पहले अ जहाँ होगा विसर्ग से पहले अ हो और क्या कहते हैं विसर्ग के बाद भी यदि अ हो तो, ध्यान रखिएगा यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी यदि अ हो तो वह बदल कर क्या हो जाता है उ हो जाता है। अब जैसे उदाहरण के रूप में आप समझिए यानी उदाहरण क्या है यहाँ पर उ का मतलब आप देखिएगा उ आपको नहीं मिलेगा उदाहरण में, उ आपको प्रायः नहीं मिलता है, वहाँ क्या मिलता है ओ मिलेगा, क्यों क्योंकि संधि करने पर जो वहाँ पर क्या हो जाएगा विग्रह लगेगा यानी अवग्रह चिन्ह लगता है वहाँ पर। जब आप संधि करते हैं तो संधि में आप प्रायः क्या देखेंगे कि अवग्रह चिन्ह लगा हुआ आपको दिखेगा, उ वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे एक उत्तु संधि है आप देखिए उदाहरण के माध्यम से अ धन उ को क्या हुआ ओ हुआ यानी गुण संधि हुई, ऐसी ओ यानी ओ धन ओ बराबर क्या हुआ पूर्व रूप, यानी इसका जो मिलता जुलता जो रूप है वह उत्तु संधि में हम देख पाते हैं। जैसे शब्द है शब्द क्या है शब्द है रामोपी, एक शब्द है रामोपी, अब हमने इसको संधि की तो संधि में आपने देखा रामह धन अपि रामह धन अपि, अब हमने कहा कि जो रामह है उस राम धन ओ राम ओ के बाद हमने कहा यदि ओ के बाद विसर्ग में क्या हो पूर्व पद में अ हो विसर्ग के बाद भी अ हो तो उसे क्या हो जाएगा उ हो जाएगा, तो यहाँ देखिए राम धन ओ उसके बाद फिर विसर्ग देखिए धन अपि
तो शब्द क्या बना, राम धन अ धन उ धन अपि। तो अब हमने कहा उस जब हम व्यावहारिक रूप में उसे देखते हैं, यानी वहां क्या हो गया, अ उ ओ यानी गुण हुआ, क्या हुआ गुण हुआ, तो वह शब्द क्या बना, रामो राम धन ओ धन अपि, तो शब्द बन गया रामोपी। तो हम इसे जो है प्रायः इस रूप में हम देखते हैं। ऐसी शब्द है कोयम। अब कोयम में आपने देखा कह धन अयम यानी को धन अयम, तो कोयम शब्द बन गया। ऐसी श्लोको अयम, श्लोक धन अयम, तो क्या बना श्लोको अयम। ऐसी देवोस्ति शब्द है, देवह धन अस्ति देवोस्ति, यानी इसी प्रकार जो है विसर्ग से पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तृतीय, ध्यान रखिएगा, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद जो है वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण, यानी ग घ अङ ज झ यों ट ठ ण द ध न ब भ म और य र ल व, यानी कह सकते हैं कि वर्ग का जो तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण और य र ल व वर्ण हो तो उस विसर्ग को बदल करके क्या हो जाएगा, उ हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप देखिए, शब्द है तमो गुणः, तो यहां पर क्या हुआ तमह धन गुणः, तो शब्द क्या बना। हमने कहा कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क्या वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम, यहां पर हमें क्या मिला तमह धन गुणः तृतीय ग मिला, तो क्या हो गया तमो गुणः। ऐसी पयोधि शब्द है पयह धन धी, तो तृतीय वर्ण पयोधि ही शब्द यहां पर बना। ऐसी अधोमुखम देवो गच्छति ही सरोवरः मनोहरः, ये सभी जो है विसर्ग संधि के प्रायः उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो जो एक चीज और है, जो एक सूत्र है व्याकरण में, वह सूत्र कौन सा है, सज्जसोरु। ये सज्जसोरु क्या करता है, यह पदान्तस्य सस्य सजुस्सह रु स्यात्। ये क्या करेगा, जो पदांत के आने वाले जो सकार हैं, जो पद के अंत में जो सकार आ हैं, उन सकार और सजुस को क्या करेगा, ष ष को रु आदेश हो जाता है। जैसे शब्द एक आप देखिए शिव धन स, यहाँ पर क्या हुआ प्रथमा एक वचन का यह प्रत्यय है, तो शिव शब्द है उस स पद के अंत में है, अतः वहां क्या हुआ जो सूत्र है वो स को क्या हुआ रु हुआ, और रु के उ की इत संज्ञा होती है, तो शब्द क्या बन गया र शेष बचा, तो स्थिति क्या बनी सी व उस स को क्या बन गया र। अब सी शिव शब्द था तो वहां क्या बन गया सी व और र। अब ये खर वसान्यो विसर्जनीय से क्या हुआ, उस र को विसर्ग हो गया क्योंकि र अवसान में है, तो अतः जो रूप बना वह क्या बन गया शिव। तो आपने देखा कि शिव शब्द कैसे बना, यानी शिव शब्द जो है पहले क्या शिवस, यानी उस सूत्र किस सूत्र से सज्जसोरु सूत्र से, यानी विसर्ग स रू के रूप में इस सिद्धांत में हम देखते हैं। यानी सज्जसोरु क्या करता है, यानी पद के अंतिम में स हो, स को सजुस शब्द से स को रू हो जाता है, और रू के ऊ का लोप होकर तो वह क्या बना र, और स्वर और व्यंजन के साथ जुड़ करके उसमें क्या हो जाएगा व्यंजन वर्ण का जो द्वितीय और तृतीय और पंचम वर्ण वहां पर हो जाता है। जैसे उदाहरण है हरि ही अवदत्, हरि ही धन अवदत्, तो शब्द क्या बना हरि वदत्, तो ऐसी पितु धन इच्छा, तो शब्द क्या बन गया पितु इच्छा। तो इस प्रकार से जो उदाहरण है वह क्या है शिव शिवोत्रयः रामः अयम् रामो अयम् बाल आगच्छत बालो गच्छत शिवः अर्चः शिवो अर्चः। एक हंसी चौ सूत्र है, उस हंसी चौ सूत्र से क्या होता है, यानी जब विसर्ग रू ऊ के रूप में व्यंजनों के साथ होगा, तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला सूत्र कौन सा है हंसी चौ, अर्थात ह्रस्व ओ वाले अक्षर के बाद क्या होगा स को रू रू को ऊ हो जाता है, यदि उत्तर पद के आदि में क्या होगा हस वर्ण, यानी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण और ह य र ल व ये वर्ण होंगे, तो वहां क्या हो जाएगा, वहां हसी से क्या करेगा अप्लुतः अकारः परे पदांत को रू हो,
और उसके परे जो हस है, उस हस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण वहां हो तो उस रू को क्या हो जाता है, उ आदेश हो जाता है। जैसे शब्द, एक उदाहरण देखिए आप, शब्द है शिव सदन बंद्य, तो यहाँ क्या है, सस जो सो रू से क्या हुआ, पदांत के जो पद के अंत में जो सौ है उस सौ को क्या हुआ, रू आदेश हुआ, और रू का जो रॉ शेष बचा, रू का क्या बचा, रॉ शेष बचा, इस स्थिति में शब्द क्या बन गया, शिवरधन बंद्य। तो उस रू के पूर्व अप्लुत जो अकार है उस, और उस परे वकार को जो है हस प्रत्याहार का वर्ण है, तो हसी च सूत्र से क्या हुआ, उस रॉ को क्या हो गया, उ आदेश हो गया। तो तब स्थिति क्या बनी, शिव उ धन बंद्य। अब यहां पर क्या हुआ, अकार और उकार की जो आद्गुण एक सूत्र है, उस आद्गुण सूत्र से क्या हुआ, गुण संधि होकर के रूप क्या बना, शिवो बंद्य। तो इसी प्रकार से जो है अन्य उदाहरण है, रामः जपति रामो जपति ही, सुरेशः गच्छति सुरेशो गच्छति, लक्ष्मणः ब्रवीति लक्ष्मणो ब्रवीति। यानी इस प्रकार से जो है, जो व्यंजन संधि में एक चीज और आप देखिए, एक सूत्र है रोरी, उस रोरी सूत्र से क्या होता है, र का लोप यानी पूर्व अण को दीर्घ, जो पूर्व अण वर्ण होगा उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ, यानी इस सिद्धांत को प्रतिपादित रोरी सूत्र करता है, तो ढ का क्या हो जाएगा, वहां ढ का लोप हो जाएगा। सूत्र है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो ण, अर्थात पूर्व पद के अंत में जो ढ र हो तो उस उत्तर पद के आदि में भी जो क्या हो जाएगा, ढ र के आरंभ में होने वाला जो पद होगा उस ढ र का लोप हो जाता है वहां पर, यानी ढ और र का लोप होने पर जो पूर्व वर्ण होगा वह अण को क्या हो जाता है, यानी अ ई उ को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण है पुनर्रमते, तो शब्द क्या बना, पुनः रमते, और ऐसी हरिर्रम्य शब्द बना हरि रम्य, अंतरराष्ट्रीय एक शब्द है आप बार बार देखते हैं अंतरराष्ट्रीय, तो जब इसके संधि करते हैं इसमें संधि कौन सी है, विसर्ग संधि इसमें है, तो शब्द कैसे बना अंतर धन राष्ट्रीय। अब यहां आपने देखा कि जो विसर्ग संधि का यहाँ पर जो सिद्धांत है रोरी जो सूत्र है, उस सूत्र का प्रतिपादित उसी सूत्र से जो है यह संधि हो रही है, ऐसी ऊठ धन ठ ने ऊठ, यानी इसी प्रकार से जो है व्यंजन संधि के जो अन्य भेद हैं उन भेदों को, जैसे एक चीज और है स एवं एस, इन दोनों शब्दों के बाद अ के अतिरिक्त यदि कोई स्वर या व्यंजन हो तो उस विसर्ग का क्या हो जाता है, वहाँ लोप हो जाता है। जैसे शब्द क्या है, सह खादती शब्द है, तो हमने जब उसको क्या किया तो एस और स और एस के बाद, इन दोनों शब्दों के बाद ही अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो तो यहाँ क्या है, विसर्ग क्या है, सह खादती ख है, तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, सह खादती, एषः गच्छति एषः गच्छति, एषः लिखति एष लिखति, यानी इस प्रकार, यानी विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो उस विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे शब्द एक आप बार बार देखते हैं अतएव शब्द है अतः धन एवः, अब यहाँ पर ए शब्द है यानी विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, और विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त अ नहीं है ए है, तो शब्द क्या हो गया, वहाँ विसर्ग का लोप हो गया, शब्द क्या बना अतएव। ऐसे ही बालः धन इच्छति बालच्छति, कृष्णः धन एति कृष्ण एति, ऐसी अर्जुन उवाच, गीता में आप देखते हैं बार बार देखते हैं अर्जुनः धन उवाच, वहाँ शब्द अर्जुन उवाच शब्द बनता है, यानी विसर्ग से पहले अब यदि आ हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और य व र ल में से कोई भी वर्ग हो तो उस विसर्ग का वहां पर भी लोप हो जाता है। जैसे आप एक शब्द है बालस बाला धन अत्र हो, तो बालह अत्र हो, यदि विसर्ग के बाद, यहां पर देखिए विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, विसर्ग के बाद क्या होगा, तीसरा चौथा पांचवा एवं य व र ल कोई भी वर्ण हो तो उस विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ऐसी एक दूसरा उदाहरण है छात्रान नमंती छात्रा नमंती ही, तो यानी इस प्रकार से हम जो है जो विसर्ग संधि है उस विसर्ग संधि को हम जानते हैं। आज हमने विसर्ग संधि के मुख्य भेदों को जाना, इसी क्रम में हम संधि के अंतर्गत तीनों भेदों को जान चुके हैं, अगली श्रृंखला में एक नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे, तब
तब तक के लिए नमस्कार।